आज ये स्थिति हो गई है, यहाँ आरटीओ ऑफिस है और आवागमन ज़्यादा ही रहता, मगर आज ये हालत हो गई कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है। फिर रोड का पानी है, रोड को 2 महीने हो गए खराब हो गया है, फिर रोड पे गिट्टी वगैरह भी डली है। नहीं, गिट्टी डली है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई है इन्होंने, कोई स्थाई काम नहीं किया। बारिश हो रही है, ये पुलिस अधिकारी की गाड़ी फंसी हुई है, रोड का काम रोज रात दिन फूट रहा है, पर बाकी रोड का काम सही ढंग से हो नहीं रहा है। सरकार क्या कर रही है, ये पुलिस की गाड़ी के लिए अभी मैंने ताकत लगाई तो आधी गाड़ी बाहर निकाली। रोड पे पानी भी बहुत आ गया, रोड पे पानी भी सर बहुत ज़्यादा है, और पुलिस वाले अधिकारी वाले वो एक जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी और एक साथ में एक व्यक्ति था उसके से ताकत नहीं ली तो आधी गाड़ी तो मैंने बाहर निकाल दी, और रोड रोड में सब ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्या गाड़ी फटने का कारण क्या रहा सर? ये रोड दब रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही। कब बना था ये रोड? नया रोड बना था सर, पर बाकी 4-5 दिन से काम चल रहा, पर बाकी सब जगह खुदाई कर रहे हैं और ये इसकी सुनवाई नहीं हो रही, सब गाड़ियों धस रही है, सब ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ये पुलिस वाले की अभी मैंने मदद करी बेचारे की, तो गाड़ी थोड़ी तो बाहर निकाल दी मेरी ताकत की वजह से। ज़्यादा तो था इसलिए फसल नुकसान हो रही है, सोयाबीन भी ख़त्म हो रही, मूंग तोले ख़त्म हो गए, कपास की वजह से रहे, मक्का भी ख़त्म हो रही, पानी की वजह से बहुत नुकसान। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।